प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में आज हम लोग एक मैथमेटिक्स सेक्शन की और प्रॉब्लम देखेंगे हैकर रैंक पे। इस प्रॉब्लम का नाम है फिलिंग जार्स। बड़ी आसान सी प्रॉब्लम है फिलिंग जार्स, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। अनिमेश हैज एन एम्प्टी कैंडी जार्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to n विद इनफाइनाइट कैपेसिटी। ही परफॉर्म्स एम ऑपरेशंस। ईच ऑपरेशन इज डिस्क्राइब्ड बाई 3 इंटीजर्स ए बी एंड के। हियर ए एंड बी आर द इंडिसेस ऑफ द जार्स एंड के इज द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स टू बी एडेड इन साइड ईच जार हुज इंडेक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी बोथ इंक्लूसिव। कैन यू टेल द एवरेज नंबर ऑफ द कैंडीज आफ्टर एम ऑपरेशन। तो इसका मतलब है कि कैंडी जार्स हैं और उस कैंडी जार्स में मुझे कैंडीज डालना है, वहां तक डालना है जहां तक इंडेक्सेस बताए गए हैं। तो इसको करने के लिए मैं एक काम करता हूँ कि एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है कि 5 जार्स मेरे पास गिवन है, 1, 2, 3, 4 और 5 जार्स हैं। और पहला ऑपरेशन यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 to 10, इसका मतलब है कि इंडेक्स नंबर 1 से, मतलब कि पहला वाला जो जार है वहां से स्टार्ट करना है और दूसरे जार तक सभी में 10 10 कैंडिडेट ऐड कर देनी है। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक 10 10 कैंडिडेट डाल दिए। फिर दूसरा ऑपरेशन ये कह रहा है कि 3 से लेके 5 तक, सो 3 मतलब 3, 4, 5, इन तीनों में 10 10 कैंडिडेट्स डाल देनी है। और तो दोनों ऑपरेशन कंप्लीट हो गए, इसके बाद मुझे बताना है कि एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितनी है। तो ऑब्वियसली बात है, एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितनी होंगी, इन सबको सम कर दीजिए और डिवाइड बाई 5 कर दीजिए, सो दिस विल बी 10। क्वेश्चन आसान है, बस हमें इसको इंटरप्रेट करने की जरूरत है कि हम एरे के फॉर्म में कैसे इंटरप्रेट करें, या फिर इसको क्या हम कांस्टेंट टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे। तो एक काम करते हैं कि एक और एग्जांपल्स लेके देखते हैं, जैसे कि इनका ये टेस्ट केस गिवन है, इसी को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये जो 5 टोटल नंबर ऑफ जार्स हैं और 3 जो है वो मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो 5 जार्स हैं, हम लोग पिक कर लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि 1 से 2 में 100 ऐड कर दीजिए कैंडिडेट। सो 1 से 2 में मैंने 100 कैंडीज ऐड कर दी, कैंडी का नंबर डाल देते हैं जार का, जिससे आसानी होगी समझने में। दूसरा ऑपरेशन कह रहा है कि 2 से लेके 5 तक 100 ऐड कर दीजिए, सो 2 से लेके 5 तक में 100 ऐड कर दीजिए। फिर इसके बाद ये कह रहा है तीसरा वाला ऑपरेशन कि 3 से 4 तक 100 ऐड कर दीजिए, सो 3 से 4 तक मैंने 100 और ऐड कर दिया। सो अगर आप ध्यान से देखें कि जो नंबर ऑफ कैंडीज है, 1 वाले में 100 हो गई, दूसरे वाले में 200 हो गई, तीसरे में 200 हो गई, चौथे में 200 हो गई, लास्ट वाले में 100 है। सो टोटल कैंडीज कितनी हो गई, 800 हो गई। एवरेज नंबर ऑफ कैंडीज कितनी होंगी, 800 बाई 5 मतलब 160, एंड 160 इज दी आंसर। तो क्या हम इसको बगैर एरे एरे के थ्रू कर सकते हैं या सम कर सकते हैं, मैं आपको बस वही बताता हूँ ये कैसे किया जा सकता है। तो ये जो पहला वाला ऑपरेशन है, इसको अगर हम ध्यान से देखें कि 1 से लेके 2 तक, तो अगर आप लास्ट वैल्यू 2 -1 करेंगे तो इससे 1 आएगा, लेकिन 2 जार्स हैं, 2 जार असाइन करने के लिए मैंने इसमें +1 कर दिया, एंड दिस मल्टीप्लाइड विद द टोटल कैंडीज। इसी तरह से जो दूसरा वाला ऑपरेशन है वो कह रहा है कि 2 से लेके 5 तक, तो 5 -2 इससे 3 आया, लेकिन 4 जार्स में मुझे 100 ऐड करना है, तो मैंने ये फाइंड किया और मल्टीप्लाइड विद 100 कर दिया। फिर जो लास्ट ऑपरेशन है वो क्या कह रहा है कि 3 से लेके जो 4 तक है, तो 4 -3 इससे 1 जार हो गया, लेकिन 1 मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, 3 4 दोनों चाहिए, तो +1 मैंने कर दिया और इसमें मल्टीप्लाइड विद 100 कर दिया। इससे आंसर क्या आएगा, 2 × 100 मतलब 200, ये 3 + 1 4 हो गया, 400 हो गया ये, और ये भी 2 × 100 मतलब 200 हो गया। सो दिस हैज कम आउट 200, और ये जो 800 आया है, 800 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, यही मेरा आंसर होगा। तो मैंने कांस्टेंट टाइम में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, इसी को हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को मैं C++ में कर रहा हूँ, इस पर्पसफुली C++ में कर रहा हूँ, क्योंकि C में जो गिवन प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में 2 डायमेंशनल एरे की जगह जो है उन्होंने डबल पॉइंटर का यूज किया है। तो मैं डबल पॉइंटर से आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ये C++ से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि एक वेक्टर गिवन है, वेक्टर और वेक्टर गिवन है ऑपरेशंस नाम का। तो ये टोटल ऑपरेशंस जो हमें परफॉर्म करने थे, जैसे कि
ये देखिए कि हमें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस 3 परफॉर्म करने थे, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस 3 हमें परफॉर्म करने हैं, इसी को उन्होंने 2D एरे के फॉर्म में मान लीजिए कि मुझे गिवन है। तो ये 2D एरे कैसा गिवन है, इस तरह का एरे गिवन होगा और इसमें टोटल नंबर ऑफ जो रोज होंगी वो इक्वल टू m होंगी। रो के नंबर्स क्या होंगे, 0, 1, 2, ऑब्वियस बात है एरे के साथ हम डील कर रहे हैं। कॉलम नंबर 0, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2, इसमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पे 1, 2 और 100 गिवन है। इसका मतलब है कि 1 जार से स्टार्ट करना है, 2 जार तक जाना है और सभी में 2 कैंडीज को ऐड कर देना है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, ये 0 नंबर रो के 0 नंबर कॉलम में मुझे एक लेट से आर मिलता है और 0 नंबर रो के 1 नंबर कॉलम से लेट से सी मिलता है, ठीक है। तो आप क्या करो कि सी माइनस आर कर दो और +1 कर दो और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 0 रो के 2 कॉलम वाले एलिमेंट से। यही काम आपको करना है और कितने टाइम करना है, जितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस आपको गिवन है। तो चूंकि ये जो 2D एरे मुझे यहाँ पे गिवन है, उस 2D एरे को मैं कैसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ, मैं आपको एक बार फिर से ए नोटेशन से बता देता हूँ। तो हमारे पास वेक्टर ऑफ वेक्टर है ऑपरेशंस नाम का, तो ये वेक्टर ऑफ वेक्टर मेरा बन गया और इसमें मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज होंगी, तो जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतने ही ऑपरेशन मुझे करने, ये मुझे गिवन नहीं है। तो मुझे पता करना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हैं, तो इसके लिए मुझे इस ऑपरेशन का साइज अगर मैं फाइंड कर लूँ तो मुझे टोटल नंबर ऑफ रोज पता चल जाएंगी। तो मैंने यही किया, ऑपरेशंस डॉट साइज को एस वेरिएबल में स्टोर कर लिया है, जिससे कि मुझे पता है कि इसमें एस नंबर ऑफ रोज हैं और एस नंबर ऑफ ऑपरेशंस मुझे परफॉर्म करना है। तो इसी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए मैंने यहाँ पे एस ले लिया और लूप जो चलाया मैंने वो एस टाइम लूप चलाया, 0 से S-1 तक मेरा लूप चल रहा है। फिर मैंने R1 और R2 ले लिया, आपको जैसे मैंने बताया कि I नंबर रो के 0 नंबर कॉलम से मुझे एक R1 मिल गया, I नंबर रो के 1 नंबर कॉलम से मुझे R2 मिल गया। वंस अगेन एक बार अगर आप देखना चाहें तो ये I नंबर रो है, इसके 0 कॉलम से मुझे R1 मिला और इसके 1 नंबर कॉलम से मुझे R2 मिला। और मुझे ऑपरेशन जो अप्लाई करना है या जो नंबर ऑफ कैंडीज ऐड करनी है वो 2 नंबर इंडेक्स से मिलेगा, मान लीजिए कि वो एक्स है। तो यही काम मैंने किया है, ये ऑपरेशंस I0 से मुझे R1 मिल गया, ऑपरेशंस I1 से मुझे R2 मिल गया, ऑपरेशंस I2 से मुझे X मिल गया। इसके बाद मैंने क्या किया कि सम इज इक्वल्स टू सम प्लस R2 माइनस R1 प्लस 1 एंड देन मल्टीप्लाइड विथ X, जितनी कैंडीज मुझे ऐड करनी मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो चूंकि कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने, इसलिए ये जो फार्मूला है वो रिपीट होगा, इसीलिए मैंने लूप में इस फार्मूला को रखा है। और ये जब लूप फिनिश होगा तो उसके बाद जो सम में वैल्यू होगी वही टोटल नंबर ऑफ कैंडीज हैं अक्रॉस द जार्स, और एवरेज नंबर ऑफ कैंडीज को फाइंड करने के लिए आप सम डिवाइडेड बाय एन कर लीजिए, क्योंकि मुझे ये पता है कि टोटल नंबर ऑफ जार्स कितने हैं। फाइन, तो आई होप कि मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। ध्यान ये रखिएगा कि चूंकि ये मल्टीप्लीकेशन करके वैल्यूज बड़ी आ सकती हैं, इसलिए मैंने सम को भी लॉन्ग लॉन्ग ले लिया है और जो इसका आंसर आ रहा है उसको भी लॉन्ग लॉन्ग ले लिया, इसका मतलब कि रिटर्न टाइप को लॉन्ग लॉन्ग लिया। साथ ही साथ मैंने R1, R2 और X को भी लॉन्ग लॉन्ग ले लिया, क्योंकि राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज हैं इस वाले फार्मूला में, ये जो 25 नंबर लाइन हमारी है इसमें जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है अगर वो इंटीजर रह जाती है तो वो रेंज को क्रॉस कर जाएगी, इसीलिए मुझे R1, R2 और X की वैल्यूज को भी जो फाइंड करना है, जो वैल्यूज हैं इनको भी हमें लॉन्ग लॉन्ग रखना चाहिए। तो आइए इसको हम रन करके देखते हैं। यू कैन सी कि सैंपल टेस्ट केस इज पास्ड, सबमिट करके देखते हैं। यस, सारे के सारे टेस्ट केस मेरे पास हो गए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट द प्रॉब्लम सॉल्विंग।